स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोए सौ साहुणम एसो पंच नमो यारो सौ पाव पेणासनो मंगलाणम च सव्ये सिं परिमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूजा चाचे आदि शंकर जी महाराज की, परम पूजा चाचे महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूजा चाचे विमल सागर जी महाराज की, परम पूजा चाचे सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजा चाचे सुनील सागर जी महाराज की। तो सबसे पहले तो मैं आज के पुण्याजक परिवार सुशील जी शास्त्री, सुशील चंजी दोषी शास्त्री नगर वालों को खूब सारा आशीर्वाद मैं देना चाहूँगा कि आपको अपने पत्नी को इलाज कराने जयपुर ले जाना है, पर आपने प्रोग्राम ऐसा बनाया कि पहले महाराज जी, पहले भक्तामर जी और बाद में फिर जयपुर की तरफ रवाना होंगे। सौभाग्य आपके जीवन का। और चूंकि बात विषय से संदर्भित है तो 2-5 मिनट बाद में भक्तामर जी के श्लोक को मैं पाठ करूँगा। ये डॉक्टर विश्वराज चौधरी हैं। कौन? डॉक्टर विश्वराज चौधरी। उनकी वेबसाइट है coronacall.tv, उसमें आप जाइएगा। कई सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, जिन लोग किडनी फेल हो गई थी, जिनकी किडनी फेल हो गई थी उनकी किडनी दोबारा ठीक हो गई बिना दवाई गोली के। डायलिसिस करवाना उन्होंने बंद कर दिया। कैसे? मात्र गर्म पानी के टब में बैठ करके उन्होंने कई सारे मेडिकल जर्नल्स की, कई सारे जो डॉक्टर्स लोग जो होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, तो मेडिकल फील्ड के अंदर लोगों का इलाज कैसे हो, लोगों की बीमारियाँ कैसे खत्म हो, इस संबंध में उनकी जो पत्रिकाएं निकलती हैं उन पत्रिकाओं का हवाला दिया है, मेडिकल जर्नल का रेफरेंस दिया है बकायदा नंबर के साथ में। डॉक्टरों ने सिद्ध किया है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि पानी के टब में बैठने से, गर्म पानी के टब में बैठने से वही फायदे होते हैं जो फायदे किडनी के डायलिसिस करवाने से होते हैं। जब किडनी का डायलिसिस होता है तो खतरनाक केमिकल उसके अंदर मिलाए जाते हैं, कई सारे घाटे उसके होते हैं, कई सारे नुकसान उसके भोगने पड़ते हैं और आखिर में पेशेंट मर ही जाता है, इंसान मर ही जाता है। लेकिन कई ऐसे लोग जो डायलिसिस करवा रहे थे, उन्होंने जब गर्म पानी के टब में बैठे और 2-3-4 चीजें, डिप डाइट का उन्होंने आविष्कार किया। डिप डाइट एक विशेष तरह का भोजन, उसमें अनाज कम होता, फल सब्जी की मात्रा ज्यादा होती, वो अनाज, वो उस तरह का भोजन उन्हें दिया जाता है और 2-4 चीजें होती हैं। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि वो कोटा में एक दादाजी मेरे पास में आए थे, मुझे बता रहे थे डॉक्टर ने बोल दिया है, बोले किडनी खराब है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो वो बेचारे घबरा गए, इतना पैसा नहीं था उनके पास में, मध्यम क्लास के लोग थे, बल्कि यूं कहे गरीब व्यक्ति थे, इतना पैसा लाखों रुपए कहाँ से लेके आएंगे। और फिर किडनी मैच हुई ना हुई, शूट हुई ना हुई, फिर अगला ऑपरेशन, इतनी सारी दवाइयाँ, हॉस्पिटल खर्चा, डॉक्टर की फीस, इतना पैसा नहीं था उनके पास में। वो वेद जी के पास में गए, उन्हें कुछ मत करो, चांदी की छड़ ली, जो बताया था कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले, चांदी की छड़ लो, उसको लाल सुरु गर्म कर लो उसको, और जब बिल्कुल लाल गर्म हो जाए चांदी की छड़, चांदी उंगली जितनी मोटी चांदी की छड़, इतनी इस हाइट की, उसको डाल दो पानी के अंदर, पानी में आवाज, चूंकि इतनी गर्म रहेगी तो कटोरी में डाल दो पानी, आवाज आएगी, वो पानी उनको पीने को दिया जाए। एक और इलाज होता है किडनी का, वो होता है भुट्टे के बाल, मकई, जो पॉपकॉर्न जो होता है, पॉपकॉर्न नहीं, जो मक्का होता है, मक्का, हरा मक्का जो होता है, छिलका छीलो, उसमें धागे धागे बाल बाल निकलते हैं, उन बालों को उबालिए और वो पानी पीजिए। एक जड़ी बूटी, उसका नाम मतलब साटोड़ी, क्या बोलते हैं उसको? साटोड़ी, गुजराती में साटोड़ी बोलते हैं, और जहाँ तक मुझे ध्यान है उसका नाम पुनर्नवा है, संस्कृत में उसको पुनर्नवा बोलते हैं। खूब उगी होती नदी किनारे, खूब उगी होती है, उस जड़ी बूटी को खिलाओगे तो गारंटी जबरदस्त फर्क पड़ने वाला है। एक गोखरू होता है, वो तीन उसके अंदर तीन, उसे छोटा सा इतना सा होता है, उसे मात्र 3 कांटे होते हैं, 3 थोड़े मोटे मोटे, थोड़े से मोटे मोटे कांटे होते हैं, वो उबाल के पिला जाए। आयुर्वेद में इतने चमत्कार हैं, पर आम इंसान के सामने इन चीज़ों को छुपा लिया जाता है। अब डॉक्टरों ने जो सिद्ध किया है, मेडिकल जर्नल्स में जो छपा है, जो शोध अनुसंधानकर्ताओं ने, वैज्ञानिक लोगों ने जो सिद्ध किया, प्रमाणित किया है कि किडनी की डायलिसिस करवाने से वही फायदे होते हैं
जो फायदे गर्म पानी के टब में बैठने से होते हैं, बताओ, गर्म पानी टब में बैठने से ना कोई साइड इफेक्ट है, न कोई रिस्क है, न कोई पैसा खर्चा है और ना टाइम खर्चा है। दुनिया भर के झंझट से आप बच जाओगे, आपका मरीज, आपका इंसान, आपका पेशेंट आपके अपने हाथ में वापस जिंदा लौट करके आ जाएगा। उधर नागपुर में डॉक्टर मंजू जैन हैं, विदेश ने उसे ऑनरेरी PhD की उपाधि दी है, उसे बहुत बड़ा सम्मान विदेश की सरकार ने उसे दिया है। वो भक्तामर के 45 श्लोक का पाठ करती है और लोगों के कैंसर भी ठीक हो जाते हैं, कई सारे असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में खुद ने कई सारी मौकों पर भक्तामर के कई सारे चमत्कारों का मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। जैसा महान चमत्कारी भक्तामर कि वो श्रद्धा से भक्ति से जब दिल के गहराइयों से जब तीर्थंकर तीन लोक के नाथ का जब पाठ किया जाता है, उनके नाम का स्मरण किया जाता है, तो क्या होता है, वो भगवान प्रकट हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, सिद्धांत कहता है, हमारे प्राचीन आचार्य कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान लौट के नहीं आते हैं, भगवान मोक्ष में चले गए लौट के नहीं आते हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है, सच्चे दिल से भक्तावन का पाठ करते हो, भगवान दिल में प्रकट हो जाते हैं, आपका हर संकट खत्म हो जाती है, हर बाधा आपकी विघ्न पर परेशानी खत्म हो जा करती है। बस सवाल है, दिल की गहराइयों से पुकार उठना चाहिए। भगवान साक्षात तो प्रकट नहीं होता है, लेकिन दिल में भगवान प्रकट हो जाता है, आत्मा में भगवान प्रकट हो जाता है, भगवान का रूप आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। वो चमत्कार आज भी होते हैं, आज भी ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनने पहाड़ जैसी विघ्न बाधाओं को खटोड़ जी, जिन्हें चतुर्मासा कलश जिन्होंने प्राप्त किया है, वो मेरे पास में आए थे, बता रहे थे, बोले महाराज ऐसी बड़ी बड़ी आंधियां आती, बड़े बड़े तूफान आते, बड़े बड़े संकट आते हैं, आंधियों की तरह तूफानों की तरह संकट आते हैं, और चले कैसे जाते हैं, सराई का दाना जैसे चले जाता, वैसे सराई के दाने की तरह छोटे स्वरूप में चले जाते हैं। वो ताकत भगवान के आशीर्वाद में हुआ करती है, और भगवान में ताकत नहीं होती है, भगवान कुछ करते नहीं, कुछ लेते नहीं, कुछ देते नहीं, ताकत भगवान के आशीर्वाद में नहीं होती है, वो ताकत भक्ति के अंदर हुआ करती है, भक्त की श्रद्धा के अंदर वो ताकत हुआ करती है। चाहे इतनी सी भगवान की मूर्ति हो, चाहे इतने से महावीर भगवान हो, ये ऐसे कितने फुट के, 56 फुट के गोमटेश्वर के बाहुबली भगवान की मूर्ति हो, चाहे मूर्ति इतनी सी हो, चाहे ऐसी विशाल उत्तुंग प्राचीन मूर्ति हो, चाहे नई मूर्ति हो, चाहे 10,000 साल पुरानी प्राचीन मूर्ति हो, चाहे मूर्ति छोटे से मंदिर में रखी हो, चाहे मूर्ति किसी विशाल आलिशान मंदिर में रखी हो, अगर श्रद्धा में दम होता है, श्रद्धा में ताकत होती है, हर संकट दुम दबा के भाग जाया करता है। तो आज वो क्षण आई है, हम श्लोक का, इस मंत्र का हम पाठ करें, पूरे भक्तामर का सबसे ज्यादा फेमस मंत्र ये वाला, कौन सा वाला, तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन बहुदधि शोषणाय, तुभ्यं नमो जिन बहुदधि शोषणाय। परम पूजाचार्य भगवान सुनील शाह जी महाराज, उनके युवा शिष्य हैं, मैं तो फिर भी बुढ़ा सा हो गया, मैं तो वो उनके युवा शिष्य हैं, वो दही उन्हें इतना पसंद है, सुमंत्र सागर महाराज है, उन्हें इतना दही पसंद है, अगर दही मिल जाए तो ना वो रोटी खाते हैं, ना फल खाते हैं, ना जूस लेते, कुछ भी नहीं, दही पूरा, दही से पूरा उनका आहार हो जाता है। तो मैं मजाक में कहता हूँ उनको कि महाराज भगवान तो कौन है, भवो दधि शोषणाय, क्या भवो दधि शोषणाय, और आप कौन हो, दधि शोषणाय, दधि ने दही है ना, तो यहाँ पे दही नहीं, यहाँ पे उदधि शब्द क्या है, उदधि, उदधि मतलब क्या होता है, समुद्र, उदधि मतलब समुद्र, और भव उदधि मतलब संसार समुद्र, और शोषणाय मतलब क्या, शोषण करने वाले, नष्ट करने वाले, जैसे ब्लॉटिंग पेपर नहीं होता है, स्याही सोखने वाला कागज होता है, पहले ऐसा होता था, पेन स्याही वाले पेन यूज करते थे तो उसके स्याही निकलती थी, तो पूरी उंगली हरी पीली लाल लीली जो स्याही होती उस कलर की वो हो जाती थी। और पुरानी बात करें तो पेनों में स्याही भरने का सिस्टम नहीं था, आज से 100 साल पुरानी बात कर लें अगर, तो क्या होता था, वो एक पेन आते थे, निब आते थे, उस निब को स्याही में डुबो डुबो के लिखा, स्याही में डुबो फिर लिखो,
फिर एक आध लाइन लिखो, फिर शाही में डुबो, फिर एक आध लाइन लिखो, फिर शाही खत्म हो जाती थी। फिर सिस्टम क्या हुआ, शाही वाले पेन आने लगे। आजकल तो जेल पेन आते हैं आजकल तो। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब जेल पेन जब नए नए चले थे, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, मुझे कई सारे लोगों ने मुझे बताया, पुराने जमाने के जो मुनि महाराज थे, जो बुढ़े मुनि महाराज थे, उनको किसी व्यक्ति ने एक पेन दे दिया। कौन सा वाला पेन? शाही वाला पेन, बॉल पेन, जिसमें ऊपर से शाही नहीं भरनी पड़ती है। उनने पेन उठाया और ऐसे गुस्से से फेंक दिया, तुम मुझे भ्रष्ट कर रहे हो, तुम मुझे नरक भेजोगे, तुम कैसे पापी श्रावक हो तुम, अरे तुमको तो मेरे साधन में मदद करनी चाहिए, तुमको तो मेरे धर्म ध्यान बढ़े, मेरा वैराग्य बढ़े, मेरी तपस्या बढ़े, ऐसा करना चाहिए, और तुम मुझे नरक के रास्ते पर घसीट रहे हो। शावक बेचारा घबरा गया, बोले महाराज हुआ क्या, मैंने किया क्या? बोले तुमने मुझे पेन दिया, इसमें शाही भरी, शाही वो शाही कैसी गीली, शाही कैसी गीली, और ये शाही में असंख्य जीव हैं, इस पेन का उपयोग करूंगा, इस शाही से लिखूंगा मैं तो असंख्या जीव मरेंगे, लाखों करोड़ों जीव मरेंगे, सारा पाप मेरे सिर पे आएगा और सारा पाप तेरे सिर पर जाएगा, तू तो नरक जाएगा, मुझे भी साथ में लेके जाएगा, हटा इस पेन को, मैं इस पेन से नहीं लिख सकता। इसलिए आज भी कई सारे कुछ पुराने जमाने के मुनि महाराज आज भी पेंसिल का उपयोग करते हैं, शाही वाले पेन का उपयोग वो नहीं करते। आज भी कुछ आचार्य कुछ मुनि हैं इस तरह के, इतनी सूक्ष्म स्तर पे उनकी अहिंसा चली गई, इतनी कंदल में इतनी करुणा उनकी पैदा हो गई है, मैं लाख संकट सह लूंगा, असुविधाओं का, परेशानियों का, दिक्कतों का सामना कर लूंगा, लेकिन मेरे यहां से एक भी जीव मरना नहीं चाहिए। मुनिराज रात को चलते क्यों नहीं है, मुनिराज रात में चलते क्यों नहीं है, मुनिराज मात्र इसलिए रात में चलते नहीं, रात में चलने से जीव मरेंगे, जीवों की हिंसा होगी। कभी बाहर अंधेरा हो, कभी बाहर अंधेरा हो और मंदिर में जाने का मौका लग जाए, मैं परिक्रमा नहीं लगाता हूं मंदिर में, थोड़ा उजाला हो जाए, थोड़ा 7 बज जाए 7:15 बज जाए फिर भगवान की परिक्रमा भली लगा ली जाए, लेकिन सामने के निमित्त से या जाप के निमित्त से या विशेष स्वाध्याय के निमित्त से मुनि निवास से लगा हुआ मंदिर जी है, अब मुनि निवास में लाइट नहीं जल रही है, मुनि निवास में अंधेरा है, कोई लाइट जलाने वाला, महाराज हमारा त्याग लाइट जलाने का, अपने यहाँ से लाइट नहीं जलाते, मुनि निवास में अंधेरा है, तो अब जहाँ लाइट है वहां पहुंच जाते प्रतिदिन करने के लिए, भक्ति पाठ करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। बड़ा प्यारा शब्द है, तुभ्य नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत तुभ्यम नमः, आपको नमन है, आपको नमस्कार है, हम नमस्कार करना नहीं आएगा, झुकना नहीं आएगा, हम तो गांव में गए, बड़े धर्मात्मा सेवक वहां के, बहुत धर्मात्मा, बहुत सेवा भावी समर्पण वाले लोग, लेकिन हम आचार का जयकारा नहीं लगाएंगे, आपका जयकारा होगा ना इतना बहुत है, बाकी आदि सागर जी का या महावीर कीर्ति महाराज का, विमल सागर जी का, संघ का कोई जयकारा नहीं लगने वाला, इनका कोई जयकारा नहीं लगेगा, इनको जिद्दी पकड़ के बैठ गए, ऐसे दृढ़ निश्चय। आचार्य की आरती होती है, उसकी शुरुआत की लाइन है क्या, सुनील सागर आचार्य देवा, दो बार सुनील सागर है, सुनील सागर फिर आचार्य देवा। तो जो सज्जन आरती करवाते थे, माइक पकड़ते थे, क्या तूने आचार्य शब्द निकाल दिया उसमें से, मैंने बुला के बुलाओ कभी आचार्य शब्द क्यों निकाल दिया, तो आचार्य दुनिया जानती है, गुरु ने उनको आचार्य पद दिया है, पूरे वीडियोस उसके उपलब्ध हैं, पूरे फोटोज उसके उपलब्ध हैं, पत्रिकाओं में न्यूज छपी थी, और दुनिया पूजा करती है आचार्य सुनील सागर जी महाराज, आपने आचार्य शब्द क्यों निकाल दिया। बोले महाराज वो क्या है, गाने में तर्जनी बैठती है। तो मैंने उनसे कहा आप यूट्यूब खोलिए, आप वीडियोज को देखिए, कई सारे संगीतकारों ने, कई सारे गायकों ने कितना बढ़िया शानदार भजन गाया, बताओ आप, और आपको राग नहीं बैठती है। क्या सवाल ये नहीं है कि छंद में भंग हो रहा है, सवाल ये नहीं है कि राग नहीं बैठ रही है, भीतर की बात तो ये है कि मन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, और जब मन में श्रद्धा नहीं होती, जब मन में भक्ति नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, फिर आदमी मंदिर ही नहीं आता है। क्यों नहीं मंदिर आता है, अजी वो दूर पड़ता है, अजी हमारे कमर में दर्द है। अब वही दादाजी जो कहते मेरे कमर में घुटनों में दर्द है, चला नहीं आता, उनसे कहो और रोज मंदिर आओगे तो आपको एक हरा हरा नोट दिया जाएगा, तो उनका सारा दर्द खत्म हो जाने वाला है,
सब दर्द खत्म हो जाएगा उनका। वो महिला डायलॉग मारती, मेरा घर छोटा है, मैं चोगा कैसे लगाऊं, मेरा घर छोटा है। और उसी महिला के अंदर उसके मायके से 5-7 लोग आ गए राखी के दिन, तो वो 5-7 लोग तो उसी परिवार के, 5-7 लोग मायके के, उन 10-12 लोगों ने वहीं पर भोजन किया। वो जो महिला डायलॉग मारती थी, मेरा छोटा बच्चा है, मैं कैसे रोटी बनाऊं, मैं कैसे भोजन बनाऊं, है कि नहीं, और उसी महिला ने अकेली ने 12 लोगों का भोजन बना लिया। और बर्तन कितने हुए, वो सारे बर्तन मांज दिए, वो सारा चौका समेट लिया, संभाल लिया, वो क्या समझे। और दोपहर को 1-1.5 बजे आसपास दर्शन करने आई, बोले महाराज आज तो डबल लो हो गए थे, आज तो इतनी सारी रोटियां, इतना सारा भोजन, भोजन में भी फिर मायके से मायके वाले आए हैं, और राखी का त्यौहार है, फिर तुम्हें मिठाई भी बनेगी, नमकीन भी बनेगी, अकेले दाल रोटी सब्जी से काम नहीं चलने वाला है, इतना कुछ बना लिया महाराज। वो महिला खुद बोलती खुशी के साथ में, इतना भोजन बना लिया, इतने बर्तन मांज लिए, पूरा चौका समेट दिया, और अभी भी शरीर में स्फूर्ति है, मैं थकी नहीं, मैं रोज अपना काम करती थी, रोज परिवार के 5 लोग के भोजन मनाती थी, बर्तन चौका पूरा साफ सुफ करना, जो बाद में सफाई वगैरह होती उसमें थक जाती थी, इतनी थकती थी महाराज कि सोना ही पड़ता था, इतनी कमजोरी आ जाती थी महाराज कि सोना ही पड़ता था, कभी कभी सिर में दर्द भी होता था, गैस के पास बैठना पड़ता है, कभी वार त्योहार पर कढ़ाई चढ़ती है, वार त्योहार पर कभी कढ़ाई चढ़ती है, तो कुछ मीठा नमकीन भी बनाना पड़ता है, तो तेल की बदबू से घी का धुआं जब नाक में घुसता तो महाराज मेरे सिर में दर्द होता था, मुझे गोली खा के सोना ही पड़ता था महाराज, इतने गरीबी की नौकर नहीं लगा सकते हम, मुझे गोली खा के सोना ही पड़ता था। आज महाराज मैंने कढ़ाई, तेल की कढ़ाई भी चढ़ी, घी की कढ़ाई भी चढ़ी, वो 12-12 लोग का भोजन बनाया, कपड़े सारे मैंने अपने, हाँ और फिर वो जो, हाँ फिर वो सब कपड़े, और फिर वो इतने सारे बर्तन। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।